भागलपुर में एक प्रेमी ने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव का है। घटना के बाबत पीड़िता ने बताया कि घर के सभी लोग डॉक्टर के यहां गए थे। घर में मैं अकेली थी। मौका देखकर मेरे साथ गांव के ही युवक ने गलत किया। पीड़ित युवती के रोने की आवाज सुन चाचा व आसपास से पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। फिर सुबह परिजन के आने के बाद पीड़ित युवती ने सारी बात बताई। परिजन सुबह मधुसूदनपुर थाना आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ। वहां से महिला थाना भेज दिया गया, जहां पर आरोपी मिथुन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भतोड़िया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों में पहले प्रेम प्रसंग था। घर के सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन घर के लोग इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि आरोपी मिथुन कुमार लड़की को 2 साल से शादी का झांसा दे रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि शादी से इनकार कर मिथुन से दूरी बना ली थी, लेकिन मिथुन प्रेम में पागल था। इधर दोनों में कुछ दिनों से बातें नहीं हो रही थी, शायद इसी का खुन्नस निकालने को लेकर युवक लड़की को अकेला पाकर उसके घर में घुसा और लड़की के साथ हैवानियत से पेश आते हुए लड़की के साथ यौन शोषण किया। किसी को कानो कान भनक तक नहीं चली। जब इसकी माँ और लड़की ने हम लोगों को सारी बातें बताई तो पता चला, गांव वालों ने कहा, लड़का ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो जबरन उसके साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की माँ ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी, इसी दरमियान मुझे आने में विलम्ब हुआ, मैं अपने मायके चली गई। इधर मेरी बेटी घर में अकेली थी। अकेला पाकर भदौरिया पूरब टोला का रहने वाला शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में जबरन घुस गया और मेरी बेटी के साथ यौन शोषण किया। यह कहीं से सही नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए थे, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। जल्द से जल्द आरोपी मिथुन कुमार को सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं चलिए रात में घर में मैं गल रही माँ डॉक्टर के यहाँ के लिए मैं डॉक्टर कन सा माँ कन चलो गलिए नहीं लिए रात में ये रात में जो मैं नहीं लिए घर तो ये सब रात में घटना केना कन ओले संगता पता लेके हमारा फोन कर लेके मम्मी हमारा घर घुसी गलो मिथुन कुमार शंभू यादव का बेटा 10:30 रात में जोर जबरदस्ती एक साथ बलात्कारी कर लगे। जब हम सब बोले लगे हमारा जयदा सब रात का एकदम दबाल तड़पी के एकदम भागी एक मुँह दाबी दिल्कि कसी के तुम बोले एकदम एकदम मुँह दाबला रखल के माला पकड़ी लेके माला पकड़ल के एक बाद कैलर बाद अपना चचा रहा पक्का पर छत चढ़ मिथुन कुमार कहाँ करो जे मिथुन कुमार भतोड़िया का पूरा टोला का उसका पापा का नाम संभव यादव। भतोड़िया की रहने वाली पीड़िता ने कहा, मेरी माँ अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी, मैं घर में अकेली थी, तभी अचानक रात के 10:30 भदौड़िया पुलब टोला कर रहने वाला शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में घुसा और जबरन मेरा मुंह दबोच कर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और धमकी देते हुए कहा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसने मेरे साथ घंटों यौन शोषण किया। जब मैं शोर मचाने लगी तो वो सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ा और वहां से कूद कर फरार हो गया। मैं उसके गले के माला को जकड़ कर पकड़ी थी पर वह जबरदस्ती छुड़ा कर भागा, लेकिन उसका गले का माला मेरे हाथ में रह गया। रोती बिलखती युवती ने कहा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेरे साथ में मिथुन कुमार बलात्कार किया और मिथुन कुमार जैसे मेरे बोले तो मेरा मुंह चाप करके गेट नहीं खोले दिया, वो दीवार तड़प के भाग गया। कहां कहां मिथुन कुमार? भतोड़िया गए। कितने बजे? 10:30 रात में। घर में तुम अकेले थे? मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी नानी घर गई थी। डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ से फिर नानी घर गए। डॉक्टर के यहाँ गई थी, उधर से शाम हो गया तो नानी घर चली गई। पीड़िता युवती और उसकी मां ने आरोपी युवक मिथुन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराई है और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। सुनीता और उसकी मां ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगी। मुंगेर जिला के बेलहर संग्रामपुर के प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंचकर प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
हालांकि इस मामले में प्रखंड प्रमुख ने बताया कि मैं बाजार से घर वापस जा रहा था, इसी दौरान धनकुंड और संग्रामपुर के बीच आगे से बाइक रोककर मुझ पर गोली चलाई गई। गोली मेरे बांह में लगी, दूसरा फायर करते ही मैं नदी में कूद गया। हालांकि उन्होंने दोनों बदमाश की पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि 8-10 राउंड गोली चलाई, मुझे एक ही गोली लगी, वो भी दाहिने बांह पर। वहीं चिकित्सकों की माने तो संग्रामपुर प्रखंड प्रमुख की स्थिति अभी नियंत्रण में है। जी, हम धौरी से आ रहे थे, धौरी जो कि बांका जिला बेलहर थाना अंतर्गत पड़ता है, यहीं से हम आ रहे थे। तो कुमरसार के आगे बढ़ने के बाद ललिया है, ललिया गांव से जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे गए होंगे, तो पीछे से हमारा जो है 2 मोटरसाइकिल आया। एक मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया और वो मोटरसाइकिल फिर आगे से घुमा के जो है सामने से आया। 2 आदमी का हम पहचान किए हैं जो कि मारा, गोली मारना चाहा, हम हाथ आगे कर दिए, जो गोली बांह में लग गया। तो हम भी जो है मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़ के भागने का प्रयास, मोटरसाइकिल मेरा हाथ काम नहीं करने लगा, जो है नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जो है हम भागने का प्रयास किए तो वो लोग दूसरा फायर कर दिया। दूसरा फायर जब किया तो हम नहर में कूद गए, चिल्लाते हुए जो है नहर में कूद गए। नहर में कूदने के बाद वो लोग 6-7 फायर और किए। दो लोग वो नाम हम जो है थाना प्रभारी को बता चुके हैं। तो हम लोग को ही बताया ना, जब वहाँ बताया तो बताने में क्या परेशानी है? थाना में केस हो गया तो नहीं, अभी FIR दर्ज नहीं हुआ है। FIR क्या मतलब कि कुछ पुराना दुश्मनी था उससे? मैं जी दुश्मनी था कि ये जो है मेरे हम वर्तमान में प्रखंड प्रमुख संग्रामपुर हैं और काफ़ी राजनीतिक दुश्मनी भी है और नक्सलियों के टारगेट में भी हम हैं। ठीक है, तो क्या मतलब किस टाइप का दुश्मनी था उससे? पॉलिटिकल दुश्मनी, पॉलिटिकल दुश्मनी पूर्व से भी जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार दास हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? संग्रामपुर। पिता का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम हुआ श्री महेंद्र दास। मतलब मुख्य मामला है कि राजनीति? हाँ, राजनीति के तहत ही आपको गोली मारी। पदभार ग्रहण करते ही मालदा रेल मंडल के नए DRM विकास चौबे ने भागलपुर और भागलपुर के आसपास के कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्री की सुविधा और सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बिजली, पानी, शौचालय, ट्रेन के अंदर रखरखाव, टिकट काउंटर, ट्रेन व स्टेशनों पर उचित मूल्य पर और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था और कई नई योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने गेटमैन एवं पासिंग मैन को भी कई हिदायत दी जिससे जान माल का कोई नुकसान न हो। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे DRM विकास चौबे का रेल प्रबंधक एवं दर्जनों कर्मियों ने फूल माला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मालदा रेल मंडल के नए DRM विकास चौबे ने कहा कि मुझे काफी हर्ष है, मैंने कई पैसेंजर से बात की और अपने स्टेशन और स्टेशन की व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं उन्होंने पहले के कार्यों की भी काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि जितने कार्य हुए हैं उन्हें हम लोगों को सुगमता से सुरक्षित तरीके से लेकर चलना है और आगे की योजनाएं भी बन रही है, उस पर भी कार्य करना है। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों रेल के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सर्वप्रथम तो संरक्षा जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे के वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं, कुछ यात्रियों से पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ, तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फैक्शन है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं, और आने वाले समय में जो मुझे फीडबैक है वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलपमेंट करने की तरफ जो है वो कार्य चल रहा है, और हम लोगों को उसकी प्लानिंग को बहुत केयरफुली देखना है कि उसकी प्लानिंग इस प्रकार से हो कि एक बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि आपस में हर चीज़ यात्री के लिए सीमलेस सर्विस प्रोवाइड कर सके, आने के बाद हर चीज़ के लिए उसको जो है रुकावट ना आए और सुविधा की क्वालिटी अच्छी रहे। तो और दूसरी बात यह है कि जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं यहाँ पे, कर्मचारी हैं, जो पैसेंजर्स हैं,
जो यूज़ करने वाले लोग हैं उन सबको साथ लेकर के और हमको एक आइडियल ढांचा बनाना है यहाँ पे, न केवल लॉन्ग टर्म में बट ऑल्सो इमीडिएट टर्म में, कि उनका फीडबैक, उनके सुझाव, उन सबको सम्मिलित करके किस प्रकार से हम यहाँ की सुविधाओं को सुधार कर सकते हैं। क्या कमियाँ पाई गई सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमियाँ, मुझे बड़ा हर्ष हुआ ये जान करके कि पैसेंजर से जो मैंने इंटरेक्ट किया उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी, और सुविधाओं में सुधार का स्कोप हमेशा रहता है, तो साफ़ सफाई में और वेशभूषा में, इन सब चीज़ों में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने, कुछ कुछ लेसन्स हमने लिए हैं, और उस पर हम लोगों का इंटरनल डिस्कशन होगा और उन सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फर्स्ट इंप्रेशन यात्रियों की तरफ से तो मुझे बड़ा पॉजिटिव मिला, आई एम वेरी, मुझे इस बात की बड़ा खुशी है, मुझे जो इंप्रेशन था वो। सर, यहाँ के लोकल लोगों को कुछ परेशानी हो रही है जी, उस पर जरा ध्यान दें। मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे लाइन इसीलिए आए हैं जी, रेलवे लाइन क्रॉस कर कुछ अंडरपास बना दिया जाए कुछ, या फिर ऊपर से गुजरने का रास्ता, तो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं। ओके, हम लोग दौड़ कर पार करते हैं, मालगाड़ी आ रही होती है, इंजन आ रही होती है, ऐसे में लोग, हजारों लोग रेलवे कॉलोनीज में रहने वाले, दूसरी तरफ के पास के कॉलोनी के रहने वाले, हजारों लोग उस तरफ से होंगे, जैसे कि आप देख के नहीं गए, कोई दूसरी तरफ अंडरपास उस तरफ कोई आरओबी वगैरह नहीं है, कोई ओवरब्रिज नहीं है, और पुल के नीचे जो अपने रेलवे के एरिया में है पानी की टंकी है उस तरफ पुल के नीचे। अच्छा, लोगों की मांग है हमको काम होने के कारण जाने सुविधा होती है, नहीं तो एनएच भी सुधार कराया जाएगा, एनएच भी बातचीत करके सुधार कराया जा सकता है, और ट्रेन के विषय में भी बात की जा सकती है। अल्टीमेटली ये कि आपको कनेक्शन, बेटर कनेक्शन चाहिए, हाँ तो नेशनल हाईवे हम लोग बात कर सकते हैं, जो भी सुविधा की दिक्कत है वो, और अगर ट्रेन के माध्यम से करना है तो उस पर भी। इस दीपावली घर में कुछ अलग तरह की रोशनी होती नजर आएगी। दीपावली के त्यौहार पर इस बार घर घर चाइनीज झालरों को छोड़ मिट्टी के दीपों से रोशनी करने की लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हुनरमंद अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मिट्टी के दीपकों की बिक्री के लिए कुम्हार अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ दीपक, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, जाता, बर्तन, सिपाही, हाथी, घोड़ा जैसे कई सामानों को बनाने में लगे हुए हैं। कुम्हार सुरेश पंडित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को वोकल बनाए जाने की मुहिम के माध्यम से हम लोग इस बार अच्छे से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले हम लोग एक दूसरे के घरों को रोशन करते थे, लेकिन हमारे घरों में अंधेरा रहता था। इस बार उम्मीद है कि मिट्टी के दीपक व सामानों की बिक्री अच्छी होगी और आमदनी भी अच्छी होगी। तो मोदी जी के कारनामों से बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम लोग के घर में अब दिया जलने लगा है, नहीं तो पहले बना करके रोते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। अब तो ऐसा कर दिए मोदी जी के हम लोग के घर में, मतलब जय जयकार हो गया। अब क्या, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपना घर में काम रहता है, हम अपना काम करते हैं और मम्मी पापा का साथ देते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। कब से बनाती हो? एक दो महीने पहले से तैयार करते हैं ये सब। पहले क्या प्रॉब्लम? पहले चाइना का माल आता था तो हम लोग का इतना सब कुछ नहीं बन पाता था, इस वजह से उतना कुछ खरीद नहीं पाते थे। अब घर में काम करते हैं तो थोड़ा कुछ अपना मन से खरीद लेते हैं। क्या है, जब से कुमार लोग ठीक है और बचत भी हो रहा है, जब से चाइना का आइटम बंद हुआ है। कितना खुश है? हाँ खुश है, बहुत खुश है मोदी जी से। पहले क्या परेशानी होता था, अब क्या खुश? परेशानी यही होता था, पहले कम बिक्री था, अब ठीक है, कुमार लोगों का बचत भी हो रहा है, गुजारा हो रहा है। ये तो हम लोग जब से कहने का मतलब कि पैर पे खड़ा हुए हैं, होश संभाले हैं, तब से जो है ना मिट्टी के काम पर निर्भर है, और पहले के अनुसार अभी जो है ना बहुत अच्छा है। जब से मोदी जी किए हैं तब से जो है ना अच्छा है, और कहने का मतलब डिमांड आता है तो मतलब पूर्ति किसी तरह हो ही जाता है, सब परिवार मिल करके करते हैं ना, तब जो है होता है पूर्ति, और मिला जुला के हम लोग का पैसा ही यही है तो मतलब हो जाता है, विशेष तो नहीं लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। पहले से खुश है? पहले से बहुत खुश है, मतलब जब से मोदी जी लोकल को बुलाया तब, हाँ तब से जो है ना ठीक है। क्या नाम? प्रकाश पंडित। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मिट्टी का और जलावन का, लेकिन फिर भी किसी तरह से उपाय करके जो है ना पूर्ति कर लेते हैं, और माल सौदा भी जितना होता है सब बिक जाता है और अच्छे दाम में बिकता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ने प्रेस वार्ता रखी। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ज्योति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए बीमा बैंक बीएसएनएल और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन कराने को कहा गया है। गंभीर मामलों को छोड़कर न्यायालय में लंबित सुलहनीय मामलों को इस लोक अदालत में निपटाने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अमूमन राजस्व, सिविल, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, विद्युत, पानी, एक्सीडेंट क्लेम, श्रम बैंक ऋण, ट्रैफिक, ई चलान के मामले की सुनवाई होती है। साथ ही दिनांक 17 अक्टूबर को भागलपुर सदर हेतु पाला विधिक स्वयं सेवक के साक्षात्कार की तिथि घोषित की गई है, जिसमें अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र निर्गत किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के कार्यालय में आकर अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं। भागलपुर में गंगा इस कदर कहर बरपा रही है कि लोग त्राही माम कर रहे हैं। गंगा यहां लगातार अपना किनारा काटने को आमादा है। जिले के नौगछिया अनुमंडल के तिनटंगा में फिर से गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहां फिर गंगा किनारे तेजी से कटाव हो रहा है। नतीजतन कई घर गंगा में फिर समाने लगे हैं, तो कई घर समाने की कगार पर है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। दर्जनों लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। जो हैं वो एक पॉलिथीन सीट के सहारे या सड़क किनारे किसी भी तरह खानाबदोश की जिंदगी जीने को विवश है। लोगों ने कर्ज लेकर या मजदूरी करके घर बनाया था। आंखों के सामने सब तबाह हो गया। बावजूद बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते दिनों भी तेजी से हो रहे कटाव में दर्जनों मकान और उपजाऊ जमीन गंगा में कटकर समा चुका था। इस दौरान भी कटाव निरोधी कार्य नाकाफी रहा। अब दुर्गा पूजा के बाद से हो रहे कटाव के बाद भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इनकी परेशानियों को समझने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों में डर के साथ साथ आक्रोश भी अब दिखने लगा है। पूर्व मुखिया से बात करने पर वो रोने लगे और अपनी व्यथा सुनाई। कब से कटाव स्टार्ट हुआ आपके घर? शाम से लगा था, सुबह से लगा था। आज आज कहाँ जाइएगा सारा सामान लेकर? कहाँ जाएंगे? रोड के साइड में रहेंगे। खाने पीने का कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं? बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे, सब मतलब उधर भाग के रह रहा है, सब नदी में विलीन हो गया। मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे, अभी तोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है? महसूस अब क्या, दिल का अंदर क्या बात, कौन किसका दर्द मरता है। भागलपुर में गंगा इतनी आक्रोशित है मानो सब कुछ तबाह कर देगी। जिले के नौगछिया अनुमंडल की रंगरा प्रखंड के तिनटंगा ज्ञानीदास टोला में भीषण कटाव हो रहा है। अहले सुबह से ही कटाव में 5 से अधिक घर कटकर गंगा में समा गए। कटाव इतना भयंकर है कि देखते ही देखते पल भर में पूरा का पूरा पक्का मकान गंगा में गिर गया। कई फीट तक जमीन कटकर गंगा में समाती जा रही है। मजदूरी कर या कर्ज लेकर घर को लोगों ने बनाया था, लेकिन अब अपने आंख के सामने घर गिरता देख रहे हैं। लोग रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। पिछले 9 दिनों से यहां तेज कटाव हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल ही गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठकर अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। वहीं जब उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ों का घर कट रहा है और लोग त्राही माम है, तो गोपाल मंडल वहां झांकने तक नहीं गए हैं। लोगों के सामने रहने और खाने की आफत आ पड़ी है। जिनका घर बचा है वो अपना घर तोड़कर ईंट बचा रहे हैं। कई पीड़ित गाँव से पलायन कर रहे हैं। अपनी बर्बादी की दास्ता सुनाते सुनाते पीड़ित रोने लगते हैं। तस्वीर ऐसी है कि हर किसी का दिल पिघल जाए, लेकिन बिहार सरकार और जनप्रतिनिधियों का दिल नहीं पसीजता। बहरहाल नौगछिया के तिनटंगा का ज्ञानीदास टोला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हुआ ये घर जो आपका कब कटा है? घर अखनी सब कटा है। आप लोग तोड़ ताड़ रहे हैं पूरा? ये कितने बजे सुबह से ही कट रहा है? 6 बजे से। 6 बजे शुरू है। मतलब 2-3 दिन के अंदर में कितना घर कट चुका है? क्या इसमें कुछ है? आप क्या कब किधर कहाँ जाने वाले हैं? आप अभी कहूँ ना कल जमीन ऐसी कहूँ ना जो ये कटा जब सोजा घर सोजा सोजा घर कैसे रह रहा है? घर दुआ पन्नी खाली मिल जाए।
सरकारी कुछ मिल रहा है? यहाँ पर लगभग 200-250 घर तो गिर गया है सर। ये फरीक के घर ढला क्या हुआ, मकान चला गया 5-5 कोठली। हम लोग का घर द्वार बहुत पस्त उड़ गए हैं। अब फिर कब से कटा शुरू हुआ है? कल परसों से फिर कटा हुआ है। बीच गांव में वाट का घर कट गया है सर। और हम लोगों का कोई व्यवस्था, कोई काम शुरू हुआ कटाव अधिकारी जो सरकार कोई काम नहीं। बोरा तो पहले दिया था, वो तो बोरा कट के गंगा जी में चला गया। कल से जो कटाव फिर शुरू हुआ नहीं हुआ है। हम लोगों का घर कटाव लोग कहाँ, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कोई धर्मपुर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई अभी पन्नी तान के रोड पर रह रहा है। क्या करेगा, जमीने कर गया तो कहाँ रहेगा सर? न सरकार कोई हम लोगों का उन्नति दे रहा है, न कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है। दीपावली के मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की और दीपोत्सव मेले का आनंद उठाया। कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम तक चला, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। दीपोत्सव कार्यक्रम में फैशन और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, साड़ी सूट चादर जोहर, फैंसी दीपक, स्नैक्स, इंदौरी मिक्सचर, डिजाइनर ज्वेलरी, भगवान की पोशाक, गृह सज्जा का सामान, जर्मन सिल्वर का सामान एवं अन्य तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में मनोरंजन गेम्स एवं लजीज व्यंजन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन भागलपुर की अध्यक्षता सुनीता सर्राफ ने की, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोग एक दूसरे से भाईचारा की भावना से मिले व शांति और सौहार्द के साथ दीपोत्सव मनाए। दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल मेला के आयोजन में शहर के कई गण्यमान्य लोग एवं संस्थान के संयोजक के रूप में निशा सर्राफ, कांता मवाड़िया, अरुण सिंघानिया, जूही केजरीवाल, ज्योति खेतान, कुसुम मवाड़िया, मीरा कोठरीवाल, नीलम डालमिया, लक्ष्मी शाह, अनु शर्मा के अलावे शहर के दर्जनों महिला पुरुष बच्चे कार्यक्रम में मौजूद थे। ये दिवाली के उपलक्ष्य में लगाया गया है, दीपोत्सव नाम से एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें 20 स्टॉल लगाए गए हैं। भागलपुर से ही इस बार हम लोग जितनी महिलाएँ अपने घर में काम करती हैं और हैंडमेड जैसे दिया है और है ना, हैंडमेड चटाई है, बंधनवार है, भगवान जी का पोशाक है, गणेश जी लक्ष्मी जी का ज्वेलरी वगैरह है और है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स है, चांदी का ज्वेलरी सब है, वो इन सब का है ना एग्जीबिशन लगा हुआ। खाने पीने का स्टॉल का एग्जीबिशन लेडीज़ लोग लगाई हुई है। इसका उद्देश्य है कि अंधेरे से उजाले की ओर और हम लोग महिलाएँ हमेशा आगे बढ़ती रहें, वो लोग घर में बैठ के अपना टाइम ना बिताएं, वो लोग हमेशा प्रकाश में रहें, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहें, यही उद्देश्य है। और हम लोग इसके फंड से सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कन्याओं का विवाह करवाते हैं, स्कूल के बच्चों को मदद करते हैं, कभी कंपटीशन कराते हैं और प्याऊ बैठाते हैं हम लोग 3 महीने का, अप्रैल महीने से अप्रैल मई जून